एक तरफ टीएमसी नेताओं की बदजुबानी, दूसरी तरफ पार्टी में बगावत। शुभेंदु अधिकारी जैसे कद्दावर नेता पहले ही ममता बनर्जी को झटका दे चुके हैं। अब पिछली कई कैबिनेट मीटिंग्स को बॉयकॉट कर चुके वन मंत्री राजीव बनर्जी के भी पार्टी छोड़ने की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। इसको लेकर हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र ने राजीव बनर्जी से भी बात की, उन्होंने क्या कहा सुनिए। फेसबुक लाइव में राजीव दा आपने कुछ बातें कही हैं। एक कहा है कि धैर्य को लेकर बातें कही हैं कि कब तक मैं धैर्य रखूं। दूसरी आपने बातें कही हैं कि कुछ नेता हैं जो आपके खिलाफ एक तरह से साजिश रच रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा बताइएगा क्या है। नहीं देखिए, जो बोलना है मैंने फेसबुक लाइव में ही मैंने वो क्लियर किया है, उसका खुलासा जो भी मैंने फेसबुक लाइव में किया है, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरा फेसबुक लाइव में मेरा फॉलोअर्स है, जो लोग मेरा पेज लाइक करते हैं वो लोग देखते हैं, उन लोगों के सामने जो मेरा दिल के बात थे मैं वही कहा, मैं अलग से कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। एक अटकल चल रही है आप टीएमसी में रहेंगे या बीजेपी में जाएंगे, चर्चाएं तमाम है, आपको भी पता है। चर्चा करने वाले चर्चा करेंगे, सोचने वाले सोचेंगे, और हमको जो करना है वो हम करेंगे। आपके काम ठीक से यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है जो मैंने आज फेसबुक लाइव में बोले है। ऐसा नहीं कि मैंने आज बोल रहा हूँ, ऐसा जो मुझको जानते हैं, जो लोग देखते हैं, आप लोग भी प्रेस वाले हैं, एक साल डेढ़ साल से देख रहे हैं, कहीं भी कोई चीज़ जब मैं बोल के नहीं होता हूँ हैरान हो जाता हूँ, लेकिन आदमी का काम रुकना नहीं चाहिए उस हिसाब ने, तब मैं कुछ बात बोलता हूँ। वो पहले भी बोले, ऐसा नहीं कि मैं आज बोल रहा हूँ, बिल्कुल पहले भी कहा है, लेकिन उसका कुछ सुराहा कुछ उपाय हो पा रहा है। देखिए, हम तो पेशेंस रखता हूँ, और मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं एकदम समझता हूँ कि धैर्य रखना चाहिए, और वो पेशेंस अभी भी है। दीदी मनी से बात हुई है इस बारे में जो आप बोल रहे हैं कि नहीं, सब कुछ मैं प्रेस में बोलना नहीं चाहता हूँ। इसका खुलासा कब तक हो पाएगा? जो इसका खुलासा द्वंद जो एक द्वंद, मुझे तो कुछ खुलासा भी नहीं है, कुछ बंद भी नहीं दिख रहा हूँ। मैं मेरा दिल के बात दिल के आदमी के साथ करता हूँ। मैं तो समझता हूँ मेरा साथ रिलेशन दिल का रिलेशन है, मेरा आम से जनता से, मेरा क्षेत्र का जनता से, बंगाल की आम जनता से। तो जब दिल का कुछ बात होता है तो दिल से ही किया जाता है। कुछ नेताओं को आप बता रहे हैं कि जो साजिश रच रहे हैं, कुछ नाम है या कुछ कौन लोग हैं ये लोग, या नाम अगर नहीं भी ले रहे हैं तो कौन लोग हैं ये, किस स्तर के नेता? जहाँ बोलना है मैं बोले है, मैं सिर्फ इतना ही बोले है कि जब मैं कुछ अच्छे के लिए बोलता हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि पब्लिक से पार्टी का कुछ गैप बढ़े, मैं चाहता हूँ कि गैप कमे और अच्छा से काम करे, तो वहाँ कुछ अच्छा करने के लिए जब मैं कुछ बोलता हूँ, वही बात को एक दूसरी तरफ से एंगल करके मेरे विरोध में किसी को लगाया जाता है। जब हम कुछ बोलते हैं, जब पार्टी मुझसे पूछता है ये बात, मैं उसका भी जवाब देता हूँ, लेकिन जो लोग ये सब गलत काम कर रहे हैं उसको भी पार्टी को अनुशासन होना चाहिए। एक बात आपने कही कि अयोग्य लोगों को ऊपर उठाया जा रहा है, ये कई बार पिछले दफे आपने कही। खैर अभी और सुनिए, मैं जो बोलना है मैं बोल चुका हूँ, एक बात बोल के 10 बात बोलना भी ठीक नहीं है। अगर कुछ आगे जाके बोलना है तो फिर हम जब मन चाहेंगे तभी बोलेंगे। शुक्रिया राजीव।